के आगे मैं समझूंगी कि शांति कैसे भंग हो रही है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले अब्बास हैदर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई FIR दर्ज हुई है और उसके आधार पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो क्या जरूरी है कि उसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देखना और उस पर फिर सियासत करने लग जाना? देखिए प्राची जी, ये तार जोड़ने लगे, टेलीफोन लगने लगा, जब 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा हो रहा है, 5 राज्यों में ये चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार की जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दे सामने लाए जाएंगे। देखिए हलाल फूड एक इस्लामिक जो लॉज है उसके हिसाब से मुसलमान लोग खाते हैं, इसी तरह से यहूदी लोग जो हैं वो क्रोशर फूड खाते हैं, ईसाइयों में क्रूचर फूड होता है, और इनके भी सर्टिफिकेशन देने की एजेंसियां हमारे देश में हैं और इनको भी सर्टिफाई किया जाता है और वो बिकता है, और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। जिसको जो खरीदना है, आर्थिक बहिष्कार की बात अगर राकेश जी कर रहे थे, तो मुझे लगता है जिसको जिसको हलाल फूड नहीं खाना वो हलाल फूड नहीं खाएगा। और मैं ये बात कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की रोशनी में, क्योंकि हमारे देश के संविधान का इंटरप्रिटेशन ना मेरा अधिकार है ना आपका, ये माननीय न्यायालय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में, जब एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित व्यक्ति ने एक याचिका डाली थी और कहा था कि आप हलाल फूड को देश में बैन करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश पहले नहीं, तो सवाल ये है अब्बास हैदर जी कि जब इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेफ है, वो प्रोडक्ट अगर आपके पास पहुंच रहा है तो उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए खराबी कर सकता है, आपकी सेहत के लिए खराबी कर सकता है, तो जरूरी है इसमें भी धार्मिक मान्यता को आगे लेकर आना? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए हर हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, खान पान की अपनी व्यवस्था है, जिसका हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 21 पूरी इजाजत देता है। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई जिस प्रोडक्ट पे अगर आप देखें तो ग्रीन लगा होता है, जो वेजिटेरियन होता है, उसमें हलाल और हराम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कोई कॉस्मेटिक हो या कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, फ्रोजन फूड्स होते हैं, जिसमें कुछ और सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे उस फूड को प्रिजर्व करके रखा जाए, तो वहां पे आवश्यकता होती है। मैं आपकी इस बात को भी समझ लूंगी, लेकिन अब्बास हैदर साहब, साबुन पर, चीनी पर, टूथपेस्ट पर, अगर इस सब पर भी आपको धार्मिक मान्यता की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसके ऊपर प्रवचन देने वाले, सवाल सिर्फ एक खड़ा होगा। अब्बास हैदर साहब, मैं कह रही हूँ टूथपेस्ट, साबुन या चीनी, ऐसे प्रोडक्ट्स पर क्यों जरूरी है आपको हलाल सर्टिफिकेशन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए चीनी एक अलग चीज है, क्योंकि जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, चाहे वो टूथपेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो या चीनी भी, तो उसमें कई बार ऐसे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डाले जाते हैं जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि पोर्क अगर इस्लामिक लॉज में हराम है, या आप कहें कि अगर कुछ जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं, कैसी बात कर रहे हैं अब्बास हैदर साहब, चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वेजिटेरियन भी खाते हैं और जिसे नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, अब इसमें अगर आप और बाकी केमिकल्स को ढूंढने लगेंगे और इसमें नॉन वेजिटेरियन का तड़का लगाने लग जाएंगे तो ये तो गलत है ना? चीनी पर तो कम से कम ठीक से जवाब दे दीजिए, मैं मुझे फूड पर समझ में आता है, मुझे नॉन वेज और वेज पर समझ में आता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, आश्चर्य है, गारमेंट तक पर है, ये मजहबी तंगा कपड़ों तक पर लागू करना चाहते हैं कि कपड़ों पर भी मजहबी तंगा लगेगा कि हलाल सर्टिफिकेट होगा तब इस कपड़े को पहन सकेंगे। ये पूरी तरह से एक चेष्टा है, एक मजहब के द्वारा अतिक्रमण करने का बाजार पर प्रयास है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि यह सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करने का प्रयास है, ये आर्थिक एक नई दरार उत्पन्न करने का प्रयास है, और ये प्रयास कठोरता से रोका जाना चाहिए। मजहब के आधार पर तय करेंगे कि कोई क्या खाएगा या कैसे जिएगा। एक एक करके बात करते हैं, मैं आ रही हूं अब्बास हैदर साहब आपके आपके पास, विनोद बंसल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रतिक्रिया मैं असीम वकार साहब की भी लेना चाह रही हूं।